हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी कॉर्न विथ कॉर्न एंड पनीर सब्ज़ी। तो अभी मैं इन सबको वॉश कर ली हूँ। अब मैं इन सबको चॉप करके फिर आपको मिलती हूँ। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने सारी वेजिटेबल्स अपनी चॉप कर ली हैं। ये मेरा ओनियन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये कैप्सिकम है, ये जिंजर है, गार्लिक है, ग्रीन चिली है, टमाटो है, पीज है और कॉर्न है, ये मेरा पनीर है। अभी मैंने बेबी कॉर्न को वॉश करके रखा हुआ है, इसे कट नहीं किया है, और ये मेरे सारे मसाले हैं, और ये है मेरा जीरा और काली मिर्च जो मैं तड़का लगाऊंगी। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कढ़ाई में तेल डालते हैं, और तेल हम डालेंगे सरसों का। और बिल्कुल हल्का, मतलब जो नॉर्मल पड़ता है घर पे, मैं बस उतना ही ऑयल यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं। कि सब्ज़ी कुछ स्पेशल बनानी है तो ज़्यादा ऑयल यूज़ करो कोई मतलब नहीं, बस नॉर्मल हल्का ऑयल यूज़ करो। अब हम तेल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं, फिर डालते हैं इसमें। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम इसके ऊपर जीरा और लौंग और काली मिर्च का तड़का देंगे। अब हम इसका ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक जो मैंने एकदम बारीक कट करके डाले हैं। हालांकि हम उसे पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, बट गार्लिक वाला कट करने वाला भी अपना अपना चॉइस है। ये देखिए मैं डाल रही हूँ अब इसमें गार्लिक, ये हमारा गार्लिक ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना जिंजर, देखिए ये हमारा अच्छे से ब्राउन हो रहा है, और मैं ये सब लो फ्लेम पे कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी गैस की फ्लेम लो ही रहती है, मैं ज़्यादा बार लो फ्लेम पे देने पर ठीक रहता है, और क्या अच्छे से आराम से भुन भी जाता है, जितना ब्राउन होना है वो सब हमारा हो जाता है आराम से। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ग्रीन चिली जो हमने कट कर रही थी, और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ओनियंस। अब हम ओनियंस को अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर इसमें आएगी बारीक टमाटर की, तो हम इसमें टमाटर डालेंगे, अच्छे से भुनने देंगे। मसाला जितना अच्छे से भुनेगा हमारा ये सब, तो सब्ज़ी हमारी उतनी टेस्टी बनेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा मसाला अच्छे से भुनेगा, तेल छोड़ेगा, तो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट कितना अच्छा आएगा। ये देखिए हमारा ओनियन अच्छे से ब्राउन हो रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना टमाटो, तो टमाटो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो देखिए हमारा टमाटो और ओनियन फ्राई हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने हल्का सा रेड चिली पाउडर डाला है, ये मैंने हाफ स्पून हल्दी पाउडर, ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इतना सॉल्ट ऐड किया है, ये मेरा धनिया पाउडर आया, और ये मेरा सब्ज़ी मसाला इसमें ऐड हुआ, और ये मेरा इसमें गरम मसाला ऐड हो गया। सो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक मसाला अपना ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसको फ्राई होने देंगे, और इसे एकदम सिम गैस पे ही भूनेंगे। ये देखिए इसमें से मसाला अपना ऑयल हल्का हल्का छोड़ना शुरू कर दिया है, और मसाला एकदम गल भी गया है। जो मैंने कहा था ना मसाला ऑयल छोड़ेगा गलेगा अच्छे से, तो हम अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने, पहले कॉर्न ऐड करूँगी इसमें, ठीक। ये मेरे कॉर्न हैं, इनको हम इसके साथ फ्राई करेंगे।
अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे कि मसाला इनके साथ इसका मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने इसमें कॉर्न डाले तो हमारे कॉर्न इसके साथ मिक्स हो गए हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। तो अब हम इसी प्रोसेस में इसमें डालेंगे अपने पीस जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, तो हम इनको भी फ्राई कर लेंगे इसके साथ। ये देखिए हमने इसमें अपने मटर भी अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने बेबी कॉर्न जो मैंने पीसेस करके स्लाइसेस करके रख लिए हैं, तो हम इसको इसी में ऐड कर लेंगे। अब हम इनको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स इसका कलर कितना अमेजिंग आ रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी शिमला मिर्च कैप्सिकम जो हमने कट करके रखी हुई थी, तो इसकी अमाउंट इतनी है। अब इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। सारी वेजिटेबल्स एक बार फ्राई करके उसको एकदम सिम गैस पे फिर हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट, फिर उसको हम देखेंगे। और अभी हम इसको ऐसे कवर करके रख लेंगे और ये जो रहा पनीर इसे हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी मिर्च कितनी सुंदर कलर दे रखी है इसने। अब इसी प्रोसेस में हम इसमें ऐड करेंगे अपना पनीर जो हल्का सा इसके साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और हमारा पनीर अब इसके साथ पूरा मिक्स हो जाएगा। पनीर को हम थोड़ा रुक के इसलिए डालते हैं इसमें क्योंकि पनीर क्या होता है एकदम मेल्ट हो जाएगा नहीं तो, अगर हम स्टार्टिंग में डालेंगे क्या और वेजिटेबल्स को पकने में टाइम लगता है, बट पनीर ऑलरेडी सॉफ्ट है हमारा, तो इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट मुश्किल से 5 से 7 मिनट और रखेंगे बस, तो हमारी मिर्च एकदम रेडी हो जाएगी। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा क्रीम और धनिया पत्ता और कसूरी मेथी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी वेजिटेबल का कलर और इसका हमें देख के अंदाज़ा आ रहा है कि हमारी वेज अब रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध की मलाई जो मैंने पहले ही निकाल के अलग रखी थी दूध से, तो वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। खाली मलाई, दूध ऐड नहीं करना, मलाई ऐड कर लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। क्या इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर तो ऑलरेडी इतना सुंदर है तो थोड़ा और खुल के अच्छा निकलेगा कलर इसका। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स हमारी वेज एकदम रेडी है। अब मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ कस्तूरी मेथी जो कि मेरी रहती ही है, नॉर्मल में मैं डालती रहती हूँ। तो ये आई मेरी कस्तूरी मेथी, इसके ऊपर ऐड कर दी मैंने। और ये थोड़ा सा धनिया पत्ता मेरे पास अवेलेबल था, बस लास्ट है आज धनिया पत्ता भी, तो हम इससे इसकी गार्निशिंग करेंगे। सो ये मेरी वेज का फाइनल लुक है। सो बताइएगा मेरी वेज आपको कैसी लगी, प्रोसेस कैसा लगा, लुक वाइज मेरी वेज कैसी आपको दिख रही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे चैनल पर पहले से हैं तो वो प्लीज़ अपने हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई करें। सो बाय।